नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविजन से मैं हूं अंशुल राजपूत, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पाक का सबसे बड़ा कबूलनामा, मंत्री ने कहा पुलवामा हमला इमरान सरकार की उपलब्धि। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने आगे कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले का श्रेय इमरान खान और उनकी सरकार, उनकी पार्टी PTI को दिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार CRPF के काफिले से टकरा दी थी। इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे। फवाद चौधरी पाकिस्तान के वो नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। वो आए दिन भारत को धमकी देते रहते हैं और अपना मजाक उड़वाते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वो भारत को कई बार युद्ध की धमकी दे चुके हैं। फवाद ने भारत को परमाणु युद्ध की भी धमकी दी थी। उन्होंने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के बाद भी विवादास्पद ट्वीट किया था। हालांकि इस ट्वीट को लेकर उन्हें अपने ही देश में काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। आगे बताते चले, फवाद चौधरी से पहले पाकिस्तान की सियासी पार्टी PMLN के सांसद ने खुलासा किया कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की रिहाई न होने पर भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार बैठा था। उन्होंने इस बात को भी कबूला कि उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की हालत बहुत ख़राब थी। अगर पाकिस्तान अभिनंदन को वापस नहीं करता, भारत को नहीं वापस करता, तो भारत हमला कर सकता था। बता दें कि फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। अगले दिन ही पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों को भारत की ओर भेजा था। उन्हें खदेड़ते हुए भी कमांडर अभिनंदन उस ओर गिर गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान की सीमा में उनका जो प्लेन है वो गिर गया था और पाकिस्तान ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ा था।